प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, आज के इस वीडियोज़ में मैं यहां पे बात करने वाला हूं आपका नई अपडेट को लेकर। क्या अपडेट दिया गया है वो हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं। तो यहां पे स्वास्थ्य विभाग में जो है 1.5 लाख पदों पर जो है भर्ती जल्द, ये न्यूज़पेपर में अपडेट दिया गया। और डेफिनेटली ये आने वाले समय में बहुत बड़ी वैकेंसीज आप लोगों के लिए होने वाली है, बहुत बड़ी बहाली होने वाली है। तो अगर आप स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड कोर्सेज अगर आपने कर रखा है, चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे फार्मेसी हो, चाहे डेयरी टेक्नोलॉजी हो, या और भी कई सारे कोर्सेज स्वास्थ्य विभाग मेडिकल से रिलेटेड आपके होते हैं, वो कोर्सेज अगर आपने कर रखा है, आपने पास हो रखा है, तो आपके लिए आने वाले समय में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आने वाली है। और ये 100% आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। ओके, यहाँ पे अगर डिटेल में अगर आप यहाँ पे पढ़ें तो डिटेल में आपका दिया गया है, शिक्षा विभाग, बिहार पुलिस सहित सरकार के अन्य विभागों के बाद अब स्वास्थ्य विभाग में ने जो है बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने लगभग 1.5 लाख पदों पर भर्ती होगी, इसका प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया गया है, जल्द ही इसे कैबिनेट में ले जाया जाएगा। ये यहाँ पे जो है आपका अपडेट दिया गया है। इसमें अगर बात किया जाए तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार में जो है डॉक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, विशेषज्ञ चिकित्सक, जूनियर डॉक्टर, सीनियर रेजिडेंट के अलावा पारा मेडिकल स्टाफ और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली होगी। बहाली होने वाले खर्च की मंजूरी वित्त विभाग से ली जाती है। इसके अलावा विभाग ने प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया है ना, वित्त विभाग के पास जो है चला गया है, इसके बारे में अपडेट चला गया है। वित्त विभाग ने कुछ सवाल पूछे हैं, उन प्रश्नों का जवाब स्वास्थ्य विभाग की ओर से भेजा जा रहा है। इसके बाद वित्त विभाग की ओर से इसका विधिवत मंजूरी मिल जाएगी। वित्त विभाग के मुहर लगते ही इसे कैबिनेट में ले जाया जाएगा। राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये यहाँ पे अपडेट दिया गया है। विशेष कैडर के तहत होगी बहाली, पब्लिक हेल्थ कैडर है ना, हेल्थ मैनेजमेंट, टीचिंग और स्पेशलिस्ट, इन सभी में आपका यहाँ पे होगा। MD, PG, MSc, MBA वगैरह अलग अलग कोर्सेज अगर आपने किया कर रखा है तो आपके लिए जो है ये एक अपॉर्चुनिटी जो है देखने को मिलेगा, और डेफिनेटली ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें ज़रूर अपडेट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।